चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की थी और हर एक भारतवासी और भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए ये दिन काफी खास रहा था। अभी हर भारतीय चंद्रयान 3 को वापस उठने का इंतजार कर रहा है और इसी बीच चंद्रयान 3 को लेकर ही इसरो ने ट्वीट करके बड़ी जानकारी दी है। इसरो ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 मिशन को लेकर ट्वीट करते हुए बताया कि लैंडिंग के वक्त चंद्रयान 3 के लैंडर ने लूनर मटेरियल का शानदार इजेक्टा हेलो उत्पन्न किया। एनआरएसी इसरो के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लैंडर ने लैंडिंग करते समय 2.06 टन चंद्रमा की मिट्टी को 108.4 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विस्थापित किया था। यानी कि आसान भाषा में समझें तो जब चांद पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम उतरा तो 108.4 वर्ग मीटर के एरिया में 2.06 टन चंद्रमा की मिट्टी को हवा में उड़ाकर दूसरी जगह विस्थापित कर दिया या फैला दिया गया, जिसकी वजह से वो गहरा मिट्टी का टीला उड़कर अलग दूर चला गया। साथ ही इसरो ने विक्रम के सेंसर के आधार पर ये भी पता लगाया ये जो मिट्टी सतह से नीचे से उड़कर आ रही थी वो चांद की सतह की मिट्टी से बिल्कुल अलग थी। यानी ये मिट्टी चांद की मिट्टी जैसी चिपकने वाली नहीं बल्कि पृथ्वी जैसी सूखी थी। और आसान भाषा में समझें तो जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर उतर रहा था तो मिट्टी ऐसी उड़ रही थी जैसे जब जमीन पर कोई हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो उड़ती है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम मिट्टी के टीले पर उतरा जिसकी वजह से उस टीले की 108.4 वर्ग मीटर के एरिया में 2.06 टन चंद्रमा की मिट्टी को हवा में उड़ाकर दूसरी जगह आसपास फैला दिया गया। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का लैंडर कोई छोटी सी चीज नहीं है बल्कि एक वैगनार कार जितना बड़ा यान है। चंद्रयान 3 की इस नई रिसर्च के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।